गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इक्विमेमेंटल बॉडीज़ को जाना था और उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है ये मैं अपनी लास्ट की वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं जहाँ पर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल एक्सिस दोनों को बताया था। आज हम लोग उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए डी ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी आर 2a एंड 2b, सो दैट इंक्लाइनेशन टू ए बी ऑफ वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए इज थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स 3ab अपॉन 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि ये आपका ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। अब ये बोला है कि अगर आप इसके पॉइंट ए से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हो, ए एक्स डैश और ए वाई डैश, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस इसकी रेफरेंस एक्सिस बोलो या आप इसकी साइड ए बी बोलो, क्यों, क्योंकि साइड ए बी एक्स एक्सिस पर ही तो लाई कर रही है, ठीक है। तो ये बोलना है कि इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी साइड ए बी के साथ में थीटा एंगल बना रही है। सो आप प्रूफ कीजिए कि थीटा की वैल्यू ये होगी। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट ए बी सी डी बी आर रेक्टेंगल हूज साइड्स आर ए बी इक्वल टू 2a एंड ए डी इज इक्वल टू 2b, ठीक है। आगे लेट ए एक्स डैश एंड ए वाई डैश बी द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ए एक्स एंड ए वाई आर रेफरेंस एक्सिस। मैंने मान लिया कि ये ए एक्स डैश और ए वाई डैश जो है वो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ए एक्स और ए वाई जो है मेरी रेफरेंस एक्सिस है। आगे सपोज दैट ए एक्स डैश मेक्स एन एंगल थीटा विथ ए बी, ए बी बोलिए आप या इसकी ए एक्स बोलिए, क्योंकि इसकी जो साइड ए बी है वो इस ए एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रही है, ठीक है। देन वी हैव टू शो दैट, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि थीटा की वैल्यू ये होगी। अब बात आती है सर थीटा के बारे में, तो अभी कोई फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो एक फॉर्मूला होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस और किसी भी रेक्टेंगुलर बॉडी या आपकी रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन देता है। सो वो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखने वाला हूँ, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। सिंस वी नो दैट इफ प्रिंसिपल एक्सिस मेक्स एंगल थीटा टू ए बी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस ए बी के साथ में थीटा एंगल बना रही है, देन टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2f अपॉन बी माइनस ए। सो आपका ये फॉर्मूला होता है अगर थीटा एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो थीटा की वैल्यू हम लोगों को प्रूफ ही करनी है, बट f, b और a हमारे अननोन है तो इनकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और आपके a, b और f क्या है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। वेयर a इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्स, यानी कि a जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रेक्टेंगल का ए एक्स के अबाउट, b क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए वाई, ए वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी है, और एफ क्या है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अमाउंट ए एक्स एंड ए वाई, ठीक है। यानी कि भाई इस रेक्टेंगल का ए एक्स के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ए है, इस वाई के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बी है, और इन दोनों के अबाउट जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है वो एफ है। सो हमें पहले इन तीनों कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन टू में रख करके हम अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो मैंने वही लिखा हुआ है। अब भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने किसी भी रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक सेंटर से जाने वाली और उसकी किसी साइड के पैरेलल लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको पता है, बट यहाँ पर तो हमें उसकी साइड के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो उसको कैसे निकालेंगे, सो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। भाई तो मैंने इस रेक्टेंगल के सेंटर पर इसके सी जी को कंसिडर कर लिया है। अब इस सी जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, भाई ये अगर 2a है तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a, और अगर ये 2b है और चूंकि ये मिड पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा v हो जाएगा। अब मैंने इसके cg से दो एक्सिस ड्रॉ की जो इसके x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल हैं, gx डैश और gy डैश। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पैरेलल एक्सिस का केस लगाएंगे इस लाइन के अबाउट और इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फिर a की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, नाउ a इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्स, ए एक्स बोलिए या आप ए बी बोलिए, बात एक ही है चूँकि दोनों सेम एक्सिस पर ही लाई कर रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, अब जो a मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दो पार्ट से मिलकर के बनेगा, एक तो इस पूरे रेक्टेंगल का इस जी एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस g पर जो मास है उसका इस x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उन दोनों का जो सम होगा वो इस पूरे रेक्टेंगल का इस साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने वही लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन थ्रू जी एंड पैरेलल टू एक्स, यानी कि इस लाइन की बात हो रही है, ठीक है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास एम प्लेस्ड एट जी अबाउट ए एक्स या ए बी, यानी कि इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस जी पर जो मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट, उन दोनों का सम करेंगे तो पूरे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट मिल जाएगा।
अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/3 एम बी स्क्वायर, और यहाँ पर चूंकि मास m है ये डिस्टेंस भी होगी तो वो कितना हो जाएगा एम बी स्क्वायर के बराबर। सो मैंने वही वैल्यू रख दी है, यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 एम बी स्क्वायर, और सेकेंड वाले पार्ट में मास m है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस तो सिर्फ b है, सो कितना हो जाएगा एम बी स्क्वायर। सो इन दोनों का सम कितना हो गया, a इज इक्वल टू 4/3 एम बी स्क्वायर। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, a इक्वल टू दिस, ये लाइन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। इसी तरीके से b की बात करते हैं, एंड b इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a वाई। अब भाई ये भी दो पार्ट से मिल करके बनेगा, कौन कौन से पार्ट होंगे, पहला पार्ट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन थ्रू g एंड पैरेलल टू ab, यानी कि g से जाने वाली एक ऐसी लाइन जो ab के पैरेलल है, ठीक है, और प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m प्लेस्ड एट g अबाउट ay, ठीक है, यानी कि g के ऊपर जो मास है उसका ay के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इन दोनों का सम जो होगा वो इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस लाइन के अबाउट, यानी ए वाई के अबाउट, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इस पहले वाले पार्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 एम ए स्क्वायर, और सेकंड वाले पार्ट की वैल्यू कितनी होगी m। अब ये ए स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि भाई अगर ये डिस्टेंस हम लोग देखें, ये सी जी की इस वाली साइड से डिस्टेंस ये ए ही तो है, क्योंकि ये पूरी टू ए है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस तो मेरी ए ही होगी, तो बस इस वजह से एम ए स्क्वायर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। सो भाई इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, बी की वैल्यू मिलेगी 4/3 एम ए स्क्वायर, ये मेरा बी की वैल्यू आ गई। अब एफ की बात करते हैं, एफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्स एंड ए वाई। ना ये वाला जो सी जी माना है इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, इसकी एक्स एक्सिस डिस्टेंस बता रहा है, और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, इस सी जी की वाई एक्सिस डिस्टेंस बता रहा है। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे सो एम इंटू एक्स वाई तो लिखेंगे, बट एक्स यहाँ पर ए है और वाई यहाँ पर बी है, सो मैंने वही लिखा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू बी, ये मेरी एफ की वैल्यू आ गई। अब ए बी और एफ की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर टू में रखूंगा, सो मैंने वही लिखा हुआ है, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए बी एंड एफ इन इक्वेशन टू वी गेट। सो इक्वेशन टू हमारे पास क्या है, पहले वो देखते हैं, टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2f अपॉन बी माइनस ए। सो मैं एफ बी और ए की वैल्यू इनकी जगह पर रखूंगा, सो क्या मिल जाएगा, टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2, ऐसे ही रहा, बट एफ की वैल्यू क्या रखी है, एम ए बी यहाँ से, अपॉन b की वैल्यू कितनी है, 4/3 एम ए स्क्वायर। आप लोग देख सकते हो b का मान कितना है, 4/3 एम ए स्क्वायर, और a का मान कितना है, 4/3 एम बी स्क्वायर। सो मैंने इन दोनों को इंटीजर पर रख दिया है। अब यहाँ से 4/3 एम और यहाँ से 4/3 एम कॉमन निकलेगा, क्योंकि 3 डिवाइड में तो वो ऊपर प्रोडक्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा मेरा, 2 एम ए बी इंटू 3 अपॉन 4 एम इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हुआ, इस 2 से ये 4 कैंसिल हुआ तो अपॉन में 2 आ गया। सो नेक्स्ट लाइन में क्या मिला हमको, 3/2, आपका ए बी ऐसे ही रहा, बट इस m से ये वाला m कैंसिल आउट हो गया, सो कितना बचा, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अब मुझे तो थीटा चाहिए, तो इस टेन को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स हो जाएगा, 3ab/2a² - b². अब सिर्फ थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 का डिवाइड कर दीजिए, सो थीटा बराबर क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल टू 1/2 टेन इन्वर्स 3ab/2a² - b², यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है।